जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर संडे व्लॉग। आई होप इस पैंडमिक में आप सभी सेल्फ केयर पे ठीक से फोकस कर रहे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सब भी फिट एंड फाइन हैं। संडे को एज यूजुअल मेरी रूटीन स्टार्ट होती है लॉन्ड्री पार्ट से। दो लोड तो संडे को लगते ही हैं क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी होती हैं। एक लोड मैंने लगा दिया है, एक लगाऊंगी कुकिंग के बाद। और कुकिंग पार्ट स्टार्ट किया है मीठा बनाने से। आज संडे है, स्पेशली मेरा मीठा खाने का दिन होता है। आज बना रही हूँ मैं साबूदाना खीर। 2 चम्मच देसी घी में थोड़ी सी सूजी डाल के उसको रोस्ट कर रही हूँ। आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी ऐड करने से टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सूजी रोस्ट हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे। एक कप साबूदाना है तो 4 कप दूध के मैंने इसमें ऐड किए हैं। मीडियम फ्लेम पे दूध को बॉयल होने दें और बीच बीच में उसे चलाते रहें। रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हूँ। आधा लिया है मैंने इसमें गेहूं का आटा और आधा डालूंगी बेसन। जैसे हम मिस्सी रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही, लेकिन मिस्सी रोटी में हम मसाले वगैरह काफ़ी डाल देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला है। सब्जी बनाऊंगी आज मटर पनीर, और मटर पनीर के साथ ये वाली रोटी बहुत यम्मी लगती है। पता नहीं कितने संडेज बीत चुके हैं, बच्चों को लेके संडेज को आउटिंग पे जाना मानो हम सब भूलते जा रहे हैं। अदरवाइज हर संडे को कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, या तो बच्चों को लेके आउटिंग पे चले जाते हैं, बच्चों के साथ ही कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं। आउटिंग वाला दौर तो पता नहीं अब कब वापस आएगा। बातें करते करते आटा भी गूंथ गया है और साथ ही दूध भी बॉयल हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम साबूदाना। साबूदाना को मैंने आधा घंटा पहले पानी में सोक कर दिया था। लो फ्लेम पे इसे चलाते जाना है और पकने देना है। Good morning. कहाँ घुसा है तू? स्टेफू, खाना खाएगा? नहीं बोल, खाना नहीं मैं खाता, मैं सिर्फ पिज्जा खाता हूँ। जैस्मिन के साथ कैसे फाइट कर रहा था उस दिन। खीर का फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क हम खुद घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ दूध लिया है मैंने और साथ में उसमें 4 टेबलस्पून डाला है मिल्क पाउडर। इसको हमने चलाते जाना है ताकि ये इसके साथ स्टिक ना हो जाए। उसके बाद इसमें शुगर डाल देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। थोड़ा मीठा इसमें ज़्यादा ही डालना पड़ता है तभी इसका टेस्ट आता है। और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, और जैसे ये थिक होने लगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाता है। इसके बाद अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें और खीर रेडी है। मैं इसे निकाल रही हूँ किसी बॉल में, फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि खाना खाने के टाइम तक ये ठंडी हो जाए। लो सर आपका हल्दी वाला दूध। आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि हल्दी वाला दूध मैं कैसे बनाती हूँ, तो नाम से ही जाहिर है हल्दी वाला दूध, यानी कि हल्दी और दूध तो इसमें जाएगा ही। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी, और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डाला है 1 चम्मच कोकोनट पाउडर। मीठे के लिए ब्राउन शुगर या हनी कुछ भी डाल सकते हैं। चलो आओ, चलो खाना खाओ, आज भी भूख नहीं है तुझे, आओ जल्दी। तो ये देखिए यहाँ बैठा है खाना खाने के टाइम पे, और ये रही यहाँ पे इसकी प्लेट, इसे छोड़ के यहाँ टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तुझे भी अब ना दही पनीर हजम नहीं हो रहा स्टफू, तो और चेयर के नीचे घुस रहा है। खिलाने के लिए कोई एक बंदा तेरे को चाहिए है ना, जो तुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। रिसेंटली जैस्मिन ने अपने चैनल पे जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि पिज्जा खाने के लिए किस तरह से फाइट कर रहा था जैस्मिन के साथ। खाना खाने की बारी आती है, ये महाशय यहाँ बैठ जाते हैं। इसमें पनीर भी है, दही भी है, रोटी भी है, जल्दी खा लेगा स्टफू। तो आप देख सकते हैं कि मेरी किचन में 2 बड़े बड़े शेफ आ चुके हैं।
इनका कहना है कि आज ये लोग बनाएंगे मटर पनीर। बता दूं आप सबको बहुत ही क्लियरली कि ये लोग मटर पनीर कुछ नहीं बनाने वाले हैं, ये लोग सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशन करने यहाँ पे आए हैं। Am I right? She caught us. आज हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मैं हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। पैसे में आपकी हेल्प करते हैं मम्मा? बहुत करते हो बेटा। स्टफो देखो आज ये किचन में मेरी हेल्प करवाने आए दोनों, खुद ब खुद, मैंने बुलाया भी नहीं। गाइस अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन देख लेना। कैसे स्टफी ने हमसे खूब लड़ाई की सिर्फ एक पिज्जा के लिए। अश्विन यहाँ पे प्याज काट रही है, टमाटर काटेगी, उदय यहाँ पे सैलेड रेडी कर रहा है, कैप्सिकम के रिंग्स है और ये अनियन रिंग्स है, इसमें सॉल्ट वगैरह डाल के हम टेस्टी वाला सैलेड बनाएंगे। तो गाइस वैसे तो अभी तक हमने सिर्फ दो ही वीडियोस डाली हैं, बट हम बहुत सारा फन कंटेंट बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट मिस दिस चांस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। जब हम मटर पनीर बना रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और फिर वापस आए, फिर मैं आपको सिखाती हूँ मटर पनीर। बर्तन में तेल के साथ 4 से 5 छोटी इलायची उदय ने डाली है, साथ ही कटा हुआ प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद उसमें गार्लिक डाला है और साथ ही डाला है कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। मैडम ऐसे नहीं बनता मटर पनीर वहाँ सीट पे बैठ के। आपने उल्टा बोल दिया है, जूनियर वहाँ बैठे हैं और यहाँ पे सीनियर शेफ बना रहे हैं खाना। उदय हम राइट ना? डालना है आपने रॉक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और साथ में लेमन डालना है। प्याज ब्राउन हो जाए तो उसके बाद कटे हुए टोमेटोज इसमें ऐड कर देंगे, हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। पाउडर मसाले वगैरह अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सब कुछ मैं बाद में ही ऐड करूंगी। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। टमाटर वगैरह सब गल चुके हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके बाद उसी बर्तन में थोड़ा सा तेल, जीरा, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही डाला है किचन किंग। 10-15 सेकंड तक इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद प्याज टमाटर का जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोजन पीस और पनीर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थिक ग्रेवी में ही अच्छा लगता है। उसी ग्रेवी को एक पैन में निकाल के उसमें सिर्फ पनीर ऐड कर दिया है। मम्मा मटर वगैरह नहीं खाते हैं, फिर उनको बहुत दिक्कत आती है खाना खाते वक्त, उस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है तो मम्मा के लिए सब्जी भी रेडी हो गई। डाइनिंग टेबल पे बच्चों के साथ बातें करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखी और सिखाई जा सकती हैं। उदय को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता, वो कहता है कि साइंस रोज़ चेंज हो रही है और हमें भी उसके साथ साथ अपडेट होते रहना चाहिए। चिल्ड नहीं है वो, नॉर्मल टेम्परेचर है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से आपको डिफरेंट लग रहा है वो हार लगाने में। जब हम खाना खाते हैं कि बॉडी में जिसको बोलते हैं जठर अग्नि, एक अग्नि जलती है जो उस खाने को डाइजेस्ट करती है। पानी पी लेते हैं तो हमारे पानी पीने से वो आग बुझ जाती है, इसको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो वहीं पे रुक जाता है। तो यानी कि हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना सड़ जाएगा। Actually, you may wonder if a simple glass of water with your meal could have negative effects or if that's just another myth. अभी हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं और गेम का जो विनर होगा उसको इनाम ये मिलेगा कि वो बाकी के मेंबर्स को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। तो आज का दिन बाकी के सारे मेंबर उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो उदय भी यहाँ पे कुछ बोल रहा है, अगर वो जीत जाता है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा ये हम सुनेंगे जैस्मिन की जुबानी। देखो मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है एक सक्सेसफुल डोमिनोज ऑर्डर के लिए। उदय का कहना है कि अगर वो जीतेगा तो उसका ऑर्डर मेरे लिए ये है कि मैं अपने फोन से उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करूंगी और उसकी पेमेंट भी मैं ही करूंगी। ठीक है, और उसमें मम्मा आपका ऑर्डर है कि आप कुछ नहीं बोल सकते उसको। अच्छा जी, परमिशन है इसके। अच्छा जी, पापा को उसका ऑर्डर है कि पापा तब तक जाके सो जाएंगे और वो भी कुछ नहीं बोल सकते। ये हमारे लिए ऑर्डर है, वेरी फनी। और बड़े मम्मा के लिए उसका ऑर्डर है कि बड़े मम्मा भी कुछ नहीं बोल सकते, वो जो अपनी ये सब करते वो भी नहीं वो कर सकते। देखो हमारे बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, कौन कहता है मेरे बच्चे बहुत इनोसेंट है। स्टफी के लिए उदय का ऑर्डर ये है कि जब ये खा रहा होगा तो वो बीच में आके अपनी टांगे लगा के मुझे दे दे, थोड़ा सा अपनी इनोसेंट शक्ल ही बना सकता है। उदय मतलब तेरा तो नेक्स्ट लेवल ही होता है यार, सब कुछ ये जो ऑर्डर है वो इंटर रिलेटेड है।
आप सब मेरे ऑर्डर के लिए पिलर्स हो, तो मैं आपको आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि अपना नाम विड्रॉ कर लो। ओह माय गॉड, सो इनोसेंट यू आर। मैं अपने में बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ। पहले छोटे पापा और दीदी का मैच, फिर डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटर्स का ऑर्डर, उसके बाद हम आएंगे। हम हार्ड वर्क नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क करते। मुझे और मम्मा को तुम लोग कंपटीशन ही नहीं मान रहे। वाह भाई। 2-1 go। Now the eyes have not moved and blink ho gaya aapke aankhon mein bahut zyada papa to papa ho gaya do ho gaya yaar ho gaya company pehle bol tha clear out everything aapne bas baithna hai apni aankhein band karni hai aur main to padenge aise nahi chalega 1 2 3 I hope one day somehow always will meet again karte ho na आउट हो चुके हैं। लेडीज के बीच में है अब कॉम्पिटिशन। 2-1 go। मम्मा ने झपक दिया। अब खाने के लिए तैयार है। आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। 2-3 आंखें ना पूरी पानी से भर गई हैं। ये बता दिया था कि मैं ही जीतूंगी because I'm very frustrating। ओके तो क्लियर विनर है इस गेम की मिस जैस्मिन। कांग्रेचुलेशंस जैस्मिन। गाइज मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये मेरे बच्चे कहेंगे मम्मा आपने हमारी प्रमोशन नहीं की। तो इनका चैनल है ब्लूपर लाइफ, वीडियोस ये अपलोड कर चुके हैं, दोनों वीडियोस इन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया है अच्छा करने का, एंड मैं आपको इंश्योर करती हूँ ये बहुत अच्छा उसमें कंटेंट लेके आएंगे। का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग एक बार जाके विजिट करें। आई होप आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब जैस्मिन। जैस्मिन तो रोने ही लग जाती है। रोने नहीं, मतलब अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं भी करना है ना, बट एटलीस्ट जस्ट गिव इट अ लुक वंस। हाँ, अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल है हमें और हम बेटर कर सकते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग नैप ले चुके हैं, अपना आफ्टरनून नैप काफी ज्यादा हो गई थी, पेट पूजा, नींद आ गई। फिर हम लोग संडे था तो संडे एंजॉय किया, आज सिर्फ सो के। नैप लेने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने। मम्मा ऑलरेडी किचन में ही है। और जैस्मिन की हाल है तेरा? तो पता सानू बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुसी पंजाबी च व्लॉग बनाया करो, तो आप हम अच्छे पंजाबी च गल करा करी तो बनाइए व्लॉग पंजाबी च, फिर चक दिए फटे पंजाबी का पी नहीं आता। तो पंजाबी व्यूवर्स को ये दो लाइंस पंजाबी की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टी टाइम हो गया है तो चलिए चाय पीते हैं। जैस्मिन अभी बताना चाहती है कि उसने कौन कौन से ऑर्डर जो डिसाइड किए हैं उदय को, मम्मा को, मुझे और कुलदीप जी को देने के लिए। तो अभी जैस्मिन बता रही है, आपके लिए मेरा है कि यू आर गोइंग टू मेक मी कीमा सैलड। ओह माय गॉड। एंड मेरा फोटो शूट करेगा एंड उदय हेट्स इट। मेरे खुद के फोन में मेरी एक फोटो नहीं है, मैं दूसरों की फोटोज क्या ही लूंगा। तो बोलूंगी जैसे बोलूंगी जहाँ बोलूंगी वैसे लेने। तो पनीर ऑफ चिकन से वो जो क्रीम वाले सॉसेजेस होते हैं तो बना के देते हैं खुद, उनको बोलो कि बना के दे दो। तो जैस्मिन की तरफ से हम सबको हमारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। मम्मा बच गए हैं, उसने कहा नहीं बड़ी मम्मा को मैं कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। मम्मा इन अमरूदों में कीड़े होते हैं, पक जाते हैं ज्यादा उनमें होते हैं। ये बात अब आप बोल रहे हो है ना, उस दिन दो अमरूद मेरे को कीड़े वाले खिलाने के बाद। अरे अपने घर का फ्रूट है, कोई इसमें केमिकल नहीं लगाया गया,
लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको ये बोलें कि इनमें कीड़े नहीं होते हैं, तो प्लीज आप इस चीज से बिल्कुल बिलीव ना करें, तोड़ के इनको खाएं, क्योंकि मुझे 2 अमरूद खिलाए गए हैं कीड़े वाले। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम। जैस्मिन के लिए बना रही हूँ मैं कीमा सैलड, और नो डाउट उदय भी कीमा परांठा जैसा ही कुछ खाएगा, और खुद के लिए दाल पालक चढ़ा दी है। और उदय को मिला है ऑर्डर जैस्मिन का फोटो शूट करने का, तो वो अपना ऑर्डर पूरा कर रहा है। और एक सिंपल सा संडे बच्चों के साथ गेम खेलते खेलते संडे से फंडे बन गया। मैडम, आपका चिकन सैलड। थैंक्स, दैट्स प्रीटी गुड। मैंने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया है। नहा लिया? चलो खाओ खाना। जैस्मिन की विश के अकॉर्डिंगली कुलदीप जी ने भी अपना ऑर्डर पूरा किया, लेकिन वो काफ़ी लेट आए थे। मुझे व्लॉग यहीं एंड करना था, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। इधर आओ, मैं खिलाऊं। इधर आ जा बच्चा, जल्दी आ जा। गुड बॉय। इधर 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 इधर, मैं खिला रही हूँ।